सीखा था 1 से 30 तक गिनती। अभी हम सीखेंगे 61 से 100 तक, ठीक है। 100 तक गिनती हम सीखेंगे। अभी लिखेंगे यहाँ पे 61, 62, 63, 64 67, 68, 69, 70 70, ठीक है। अभी चलिए देखो 61, 62, 64 66, 67, 68, 69, 70 69, 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
सत्तर, ठीक है, ये हो गए सत्तर तक की गिनती। अभी आगे लिखेंगे इकहत्तर, इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, उन्यासी, अस्सी, ठीक है। अभी अक्षरों में हम लिखेंगे, ठीक है। अभी इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, 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 पचहत्तर, छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, उन्नबे, नब्बे, उन्नासी, माफ कीजिए, उन्नासी, अस्सी, ठीक है। ये हो गए अस्सी तक गिनती। अभी आगे जो है इक्यासी, इक्यासी, बयासी, तिरासी, चौरासी, पचासी, छियासी, सतासी, अट्ठासी, नब्बे, 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 ठीक है। ये हो गए इक्यासी से नब्बे तक। अभी इसको लिखना है,
ठीक है। इक्यासी, इक्यासी, बयासी, तिरासी, चौरासी, पचासी, छियासी, सतासी, अठासी, नब्बे, नब्बे, ठीक है, ये हो गए नब्बे तक। अभी आगे लिखेंगे इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, छियानवे, सतानवे, अठानवे, निन्यानवे, सौ। ये हो गए अंकों में लिखकर हो गया। अभी लिखेंगे अक्षरों। इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, सतानवे, अठानवे, निन्यानवे, सौ। ठीक है, ये हो गए सौ तक गिनती। अभी देखिए मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगी, ठीक है। इसी तरह आपको भी पढ़ने के लिए सीखना है और लिखने के लिए भी सीखना है, ठीक है। इकसठ, बासठ, तिरसठ, चौसठ, पैंसठ, छियासठ, सतसठ, अड़सठ, उनहत्तर, सत्तर, ठीक है। उसके बाद इकहत्तर, बहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, उनासी, अस्सी। उसके बाद इक्यासी, बयासी, तिरासी, चौरासी, पचासी, छियासी, सतासी, अट्ठासी, उन्नबे, नब्बे। इसके बाद इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, सतानवे, अठानवे, निन्यानवे, सौ। ये हो गया सौ तक गिनती। अभी आपको क्या करना है, अपने क्लास वर्क में एक से सौ तक गिनती एक बार लिखकर निकालना है क्लास वर्क में, और इसको एक से सौ तक आपको गिनती दो बार पढ़नी है, यानी कि आपको बिना देखे पढ़ने के लिए भी अंक आने चाहिए, ठीक है। आज का होमवर्क अपने क्लास वर्क में यहाँ एक से सौ तक लिखना होगा, और अगले क्लास में हम मिलेंगे नया वाला टॉपिक लेके। धन्यवाद।